आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ये वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो अटैक करते हैं कितनी जगह से, दो जगह से। कितनी जगह से? वो दो जगह से अटैक करके दो ही डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CN, अगर सी से लिंक होता है थ्रू सी, कहां से बच्चों, सी से, तो क्या कहलाता है ये, साइनाइड। क्या कहलाता है? और अगर ये ही N से कनेक्ट होता है थ्रू कहां से बच्चों, N से, कहां से, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड। क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड। ऐसे ही हम बात करते हैं NO2 की, अगर NO2 कनेक्ट होता है किससे बच्चों, N से, किससे, तो क्या कहलाएगा, नाइट्रो। क्या कहलाएगा? और अगर ये ही ONO कहां से कनेक्ट हो जाए, O से, कहां से कनेक्ट हो जाए, तो क्या कहलाएगा ये, नाइट्राइड। क्या कहलाएगा बच्चों, नाइट्राइड, राइट। सर ये वही है ना साइनाइड, सर वो पीने वाला। साइनाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज फॉर स्टेपिंग अप ऑफ कार्बन चेन। स्टेपिंग अप ऑफ किसी बच्चों, कार्बन चेन। किसको बच्चों, कार्बन चेन। जो साइनाइड है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बन की चेन को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कार्बन की चेन को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो अब हम इससे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा बच्चों। तो बच्चा लोग, हमने क्या ले लिया, CH3CN रिएक्शन कराएंगे। बच्चा लोग तीन रिएक्शन करानी है हमें, एक ही थोड़ा छोटा सा बनाती है, एक ही साथ तीन रिएक्शन, तो देखेंगे बच्चों। वेरी इजी, सबसे पहले रिडक्शन कराएंगे H2 और किसकी प्रेजेंस में, Ni। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। दूसरा कराएंगे हाइड्रोलाइसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। पहले कराएंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। दो टाइप की होती है, एक होती है पार्शियल और दूसरी होती है कंप्लीट। दूसरी कौन सी होगी बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल एंड एच पॉजिटिव हुई, लेकिन ट्वाइस कर लेना, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। तो बच्चों देखिएगा, CH3CN क्या करानी है हमको, रिडक्शन। क्या करानी है, सबसे इजी और फंडा क्या है, ध्यान से देखते रहिए बस। H हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, इसे बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देना, कितने होगा यहाँ पे H मेरे पास, चार हो गए। H कितने हो गए बच्चों, चार हो गए ना। इसको यहां से काटो आराम से, दो H इसको दे दो और दो H इसको दे दो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा CH3CH2 और NH2। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इथेनामाइड। क्या बोलते हैं, इथेनामाइड। कोई दिक्कत बच्चों, अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो बैलेंसिंग के लिए, बस करना क्या है, H2 दिख जाए तो पक्का N से काट दो उसकी ना, दो H आ गया, दो H क्या बन गया हमारा, इथेनामाइड। अब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब कि जो भी हमें दिया हुआ है वो सब चेपना उसी में, सब हमें कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड करेंगे कहां पे, H2O को आपको कंबाइन करना, फिट करना है इसके बीच में। तो बच्चों देखिएगा कंबाइन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पे हमारे पास क्या है, H2O, क्या है, तो यहां से वही कट करिए, इसको क्या दे देना और इसको क्या दे देना, दो H। क्या हो जाएगा जी, CH3CONH2, और इसे क्या बोलते हैं हम, अमाइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथेनामाइड। क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड। दोनों में फर्क है, वो अमाइन है और ये अमाइड है। CONH लिंकेज जहां पर भी आती है उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, अमाइड लिंकेज। यानी अगर CONH आ रहा तो पक्का ये क्या है, अमाइड। दो कार्बन थे तो इथेन, पीछे क्या आ गया, अमाइड। पीछे क्या आ गया, अमाइड। अब तीसरी रिएक्शन देखते हैं। तो भैया जहां में तो करानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मैं कैसे करूं, मेरे को तो आती नहीं। तो कंप्लीट में क्या होगा, तो फिर से देखिएगा बच्चा लोग,
यहां से फिर से क्या किया, कट, क्या किया, अब हमारे पास ट्वाइस मैंने क्यों किया था, बैलेंसिंग के लिए, हमारे पास एच कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहां से एक एन और तीन एच, एक एन और तीन क्या बना देंगे, एन एच थ्री, क्या बना देंगे, बचे कितने एच और दो, कंबाइन कर दो सी एच थ्री सी डबल ओ एच, और इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, ये वही एसिड है जो चाउमीन के सिरके में होता है, एसिटिक एसिड, राइट। तो बच्चा लोग यहां तक कीजिएगा, तो बच्चा लोग एक कन्वर्जन है एकदम तूफानी सा, देखते हैं कौन बच्चा उसको बहुत अच्छे से और जल्दी से बताता है, आपको टाइम भी दिया जाएगा एक दो मिनट का, तो सोच के बताइएगा इस कन्वर्जन को कि कैसे हमको करना है। तो देखिएगा, कन्वर्ट करना है हमको, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू, कन्वर्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मिथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, चिब्बा इथेनोइक एसिड। तो बच्चा लोग आपके पास दो मिनट का समय है, आपने सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है लेकिन सबको मैशअप करना है, मिक्स करना है, तो चलिए देखते हैं कौन करता है। तो बच्चों देखेंगे मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, मैंने आपको बताया था, अगर आपको हेलोएल्केन प्रिपेयर करने हैं तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड वाला, कौन सा होता है, थायोनिल क्लोराइड वाला। तो बच्चों देखेंगे इधर, इसको यहां से क्या कर लिया, कट, बोलो कर लिया, यहां से भी कट कर लिया, तो एक O को किसके साथ दे दिया, SO, क्या निकल गई, क्या निकल गई, एक H और एक Cl, क्या निकल गया बच्चों, HCl, एक Cl बचा, कंबाइन करो CH3, क्या बन गया बच्चों, Cl, CH3Cl। अब हमने देखा कि सर यहां पे मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, तो जहां में तो कार्बन बढ़ रहे हैं, एक से दो है रे, तो हम दो कैसे करते थे, KCN से रिएक्ट करा के, और KCN भी कैसा होता है बच्चों, एल्कोहलिक, कैसा होता है, यहां से क्या निकाला आपने, CN, यहां से क्या निकाला, K, क्या निकल गया, क्या बन गया, CH3CN, CH3, और अभी जस्ट हमने पढ़ी थी एसिटिक एसिड साइनाइड से कब बनते हैं, जब हम उसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देखेंगे बच्चों इस स्टेप में, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराई हमने 2H2O, 2 किसकी प्रेजेंस में, तो हमने बोला था इसमें से तीन चार हाइड्रोजन है हमारे पास, तीन किसको दे देना है, नाइट्रोजन को, तीन किसको दे देना है, अब हमारे पास एक H बचेगा और दो O, दो क्या बचेंगे बच्चों, O, तो किसको दे दोगे वो, CH3COOH, और ये क्या बन गया बच्चों हमारा, एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत बच्चों किसी को, तो करिएगा, बहुत अच्छा कन्वर्जन है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है हेलोएल्केन और हेलोएलीन्स का, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बोर्ड में पूछी जाती है इसकी और काफी बार आ भी चुकी है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले HCl1 रिएक्शन। HCl1 रिएक्शन का पूरा नाम क्या होता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या, वो रिएक्शन जिसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, वो रिएक्शन जिसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, कंसेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, और वो जो एक रिएक्टेंट होता है वो केवल और केवल हमारा क्या होता है, हेलोएल्केन, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग, HCl1 रिएक्शन, यानी रेट रिएक्शन की किस पे डिपेंड करे, कंसेंट्रेशन ऑफ किसकी बच्चों, हेलोएल्केन, किस पे, हेलोएल्केन। तो रेट इक्वल टू प्रोपोर्शन हटाते हैं, रेट कांस्टेंट क्या आता है, के हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एक्स, क्या लिख सकते हैं, आर एल्काइल ग्रुप हो गया,
और ये हमारी रेट थी, तो k इक्वल टू आर एच, और इसका ऑर्डर क्या होता है 1, इट्स ऑर्डर इज 1, इसका ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, जब कोई पावर नहीं होती तो इसका ऑर्डर क्या होता है 1। अब लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म है वो दो स्टेप में होती है, कितने स्टेप में होती है, मतलब दो, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। तो बच्चों अब वो दोनों स्टेप देखेंगे कि वो दोनों स्टेप कौन कौन से होते हैं, तो पहले आप लोग यहां तक कर लीजिए। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले बनते कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कार्बोकैटायन, तो देखेंगे बच्चों, हमने एक एग्जांपल ले लेना है, CH3 और ये क्या ले लिया हमने, CH, क्या ले लिया, ये स्टेप हमेशा स्लो होता है, कैसा होता है बच्चों, स्लो। अब इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, Cl निकलेगा पहले, और कैसी रिएक्शन होती है, ये रिवर्सिबल, कैसी होती है बच्चों, रिवर्सिबल। तो देखेंगे बच्चों, CH3 और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, कैसा चार्ज आ गया, और क्या निकल गया बच्चों, Cl नेगेटिव, क्या निकल गया, Cl नेगेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, हैलाइड आयन, क्या बोलते हैं, हैलाइड आयन, क्या बोलते हैं, हैलाइड आयन, और ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, कार्बोकैटायन, कैसे एक्ट करेगा, कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, अटैक ऑफ किसका बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो हमने कार्बोकैटायन लेना है, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज था, ये CH3, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, Z, क्या हो गया, उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर, अब उसने क्या कर दिया, अटैक, क्या कर दिया, अटैक, और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट, और क्या बना देगा, प्रोडक्ट, क्या बना देगा बच्चों, प्रोडक्ट, ये जेड यहां से जुड़ जाएगा और क्या बन गया हमारा, प्रोडक्ट। ये इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म, क्या होती है, मैकेनिज्म। अब देखेंगे बच्चों कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमें याद रखना होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कौन सी रिएक्शन के लिए, SN1, किसके लिए बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, टर्शियरी, फिर एंड देन प्राइमरी, ये हमने कौन सा लिया था, टर्शियरी, ये कौन सा लिया बच्चों, बेटा टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता, टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म प्रोडक्ट एट फास्टर रेट, क्योंकि वो बहुत तेजी से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो बच्चों करिएगा यहां तक, नोट कीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन है, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, इनमें से पहला क्वेश्चन है ये, पहला पार्ट ए और बी, इन दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों। तो ध्यान से देखिए, ये वाला कैसा है हमारा, प्राइमरी, कैसा है क्योंकि ग्रुप लास्ट में, और ये वाला कैसा है हमारा, तो पक्का यही वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ऑर्डर में हमने देखा था टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, यही था बच्चों। तो प्राइमरी से पहले कौन सा आता है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया ये, रीजन पूछे क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है उससे। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें आयोडीन और इसमें ब्रोमीन है, स्ट्रक्चर सेम है, सेकेंडरी, लेकिन आयोडीन वाला ज्यादा होता है, बिकॉज आयोडीन इज द आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आयोडीन इज क्या, बेस्ट लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन एक सबसे अच्छा जबरदस्त क्या होता है, लिविंग ग्रुप, क्या होता है, लिविंग ग्रुप, इसलिए ये ज्यादा क्या है उसमें, रिएक्ट, राइट बच्चों। तो करिए बच्चों जल्दी से। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का दूसरा नाम होता है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
बाय क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो रेट है वो दो चीजों पर डिपेंड होती है, एक होता है हेलो एल्केन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल, एक हेलो एल्केन होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। वो रिएक्शन जिसकी रेट किस पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर, एक हेलो एल्केन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? अब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, दो। ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि दो चीजों पर डिपेंड करना, तो उसका ऑर्डर भी कितना होता है, दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द रिएक्शन हूज रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ बच्चों किसके, दो रिएक्टेंट, डेट इज कौन कौन से, हेलो एल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल, हेलो एल्केन एंड क्या बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। वो रिएक्शन जिसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, दो रिएक्टेंट पे, एक हेलो एल्केन और दूसरा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक हेलो एल्केन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इसका ऑर्डर देखेंगे बच्चों, इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, तो R इक्वल टू K, हेलो एल्केन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं HA और न्यूक्लियोफाइल को लिख देते हैं NU, पावर कितनी थी, वन वन, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता है बच्चों, टू। ऑर्डर क्या हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है, SN2 रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों, वो रिएक्शन जिसकी रेट किस पर डिपेंड करती है, दो रिएक्टेंट्स पर, एक हेलो एल्केन पे और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। और इसका ऑर्डर कितना होता है बच्चों, टू। ऑर्डर कितना होता है बच्चों, टू। बेटा देखेंगे आप, ये जो है सिंगल स्टेप में होती है, इट टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में हो जाती है बच्चों। कैसे भैया, देखेंगे इसमें होता क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ किसका बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ हेलो ग्रुप, एंड रिमूवल ऑफ हेलो ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हेलो ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है बच्चों। इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हेलोजन का निकलना एक साथ होता है, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो बच्चों देखेंगे होता कैसे, ये हमने हेलो एल्केन लिया, देखिएगा बच्चों, ये हमने हेलो एल्केन लिया, बोलो लिया, यस सर, हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, बोलो ये भी ले लिया हमने। अब इसमें होगा क्या बच्चों, तो देखिएगा, एक तरफ से क्या निकलता है, हेलोजन, और दूसरी तरफ से क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, दूसरी तरफ से क्या जुड़ेगा। तो बच्चों पहले इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं इसकी, ये H, ये H, ये वाला H और ये वाला H, यहां से अभी क्या जुड़ रहा था, न्यूक्लियोफाइल, क्या जुड़ेगा बच्चों, ये डॉटेड लाइन बनाना, क्योंकि अभी जुड़ा नहीं है पूरी तरीके से, अभी जुड़ रहा है, और यहां से क्या निकल रहा है, और टर्मिनेशन के लिए वेज बनाते हैं। अगर आपको याद हो इस तरीके से कि कोई अगर ग्रुप निकल रहा हो तो वेज बनाते हैं अपोजिट, बड़े से छोटा सा, तो वेज बनाते हैं इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है कि ये जुड़ रहा है और ये निकल रहा है, और ये अभी कौन सी स्टेज है बच्चों, इंटरमीडिएट, कौन सी है, इंटरमीडिएट स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, इसी के बाद, ये सिंगल स्टेप में ही होता है एक साथ, सी ये क्या हो गया, H न्यूक्लियोफाइल यहां से जुड़ चुका है, ये H यहां आ गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, और क्या निकल गया बच्चों, हेलो ग्रुप, क्या निकल गया, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो बच्चों हमने SN1 में पढ़ा था टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्शियरी सेकेंडरी एंड, इसको उल्टा कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए SN2 रिएक्शन में, आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा या कंपाउंड दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, SN2 रिएक्शन में या SN1 रिएक्शन में। तो देखेंगे हम इसके बाद, अभी क्वेश्चन का फटाफट से इसको नोट।
तो बच्चों देखेंगे आप टर्शियरी कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबल किसमें होते थे, SN1 रिएक्शन में, किसमें होते थे बच्चों, SN1 रिएक्शन में, और इसलिए वो रिएक्शन शो करते थे फास्ट रेट से, रिएक्शन शो करते थे बहुत तेजी से, रिएक्शन करते थे SN1 रिएक्शन में टर्शियरी, कौन से। लेकिन अगर बात की जाए बेंजाइलिक हैलाइड की और एलाइलिक हैलाइड की, बेंजाइलिक हैलाइड की और एलाइलिक हैलाइड की, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 में और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टर्शियरी से भी SN1 रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि इनके कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, किसकी वजह से, रेजोनेंस, किसकी वजह से, क्योंकि इनके जो कार्बोकैटायन है वो और ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, किसकी वजह से बच्चों, रेजोनेंस की वजह से। तो जो ऑर्डर बनेगा अगर बाई चांस बेंजाइलिक दिया हो, एलाइलिक दिया हो, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी एंड देन लास्ट में प्राइमरी, ये किसके लिए बच्चों, SN1, किसके लिए बच्चों, SN1। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखने वाले हैं विनाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें, विनाइलिक हैलाइड कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव, कैसे होते हैं बच्चों, ये रिएक्ट नहीं करते चाहे वो SN1 हो चाहे वो विनाइलिक, कौन से होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं और हैलोजन भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं और हैलोजन भी होते हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि रेजोनेंस के कारण उस पर कैसे करेक्टर होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल, उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। नेक्स्ट जो हेडिंग है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करेंगे SN1 को और SN2, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इस साल के लिए, क्योंकि assertion, reason, based question इस पर बहुत सारे बन सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। पहला पॉइंट हमने बताया कि जो विनाइलिक हैलाइड होते हैं, विनाइलिक हैलाइड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं एंड हैलोजन भी होते हैं, तो वो अनरिएक्टिव होते हैं चाहे SN1 हो चाहे SN2। भैया क्यों होते हैं, रीजन पूछे तो रेजोनेंस के कारण उस पर कैसे करेक्टर, डबल बॉन्ड, कैसे करेक्टर, और उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल, इतनी आसानी से डबल बॉन्ड नहीं टूटता, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते। अब आगे हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की, नॉट फैक्टर्स, इट्स फैक्टर्स जो फेवर करते हैं किसको, SN1 को और SN2। सबसे पहला है नेचर किसका बच्चों, एल्काइल हैलाइड किसका। अब हमने देखा था एल्काइल हैलाइड कौन सा फेवर करता था SN1 में, टर्शियरी, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होता था, और SN2 की बात करें तो कौन फेवर करता है, प्राइमरी, कौन फेवर करता है, टर्शियरी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, टर्शियरी किसमें रिएक्टिव होता है, SN1, और प्राइमरी में SN2। दूसरी बात करते हैं नेचर ऑफ किसकी, न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ, अगर न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारा तो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है तो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेगा, SN1, कौन सी, राइट बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, कंसेंट्रेशन, अगर कंसेंट्रेशन हाई होगी न्यूक्लियोफाइल की तो SN2 को, और कंसेंट्रेशन कम होगी तो, कंसेंट्रेशन हाई होगी न्यूक्लियोफाइल की और लो होगी तो, और लास्ट है अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर नेचर का है तो फेवर करेगा किसको, पोलर का मतलब जो पानी में डिसॉल्व कर ले, और पानी में डिसॉल्व करता है तो कौन सा बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना लेता है, तो वो सॉल्वेंट जो फेवर करे पोलर हो वो किसको फेवर करेगा, क्योंकि वो स्टेबलाइज कर देता है किसको, कार्बोकैटायन को, और नॉन पोलर किसको फेवर करेंगे बच्चों, SN2 को, नॉन पोलर किसको फेवर करेंगे बच्चों, SN2, राइट बच्चों, यस सर। तो बच्चों क्वेश्चन है हेलो एरीज लेस रिएक्टिव होती है हेलो एल्केन्स है SN रिएक्शन में, हेलो एरीज कम रिएक्टिव होती है हेलो एल्केन्स है किसमें, SN रिएक्शन में, क्यों होती है, हेलो एरीन कम रिएक्टिव किससे, हेलो एल्केन्स, तो आंसर देखेंगे रेजोनेंस के कारण जो CH बॉन्ड होता है किसका, हेलो एरीन का, उस पर कैसे करेक्टर होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, कैसे करेक्टर होते हैं, और उसको तोड़ना क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल, क्या हो जाता, जो हेलो एरीन होती है उसके CH बॉन्ड पे, CH बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों, ये बेंजीन है और ऊपर अगर CN लगा हुआ है तो ये वाला C और इसका जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, CH बॉन्ड, क्या बोलते हैं, अब उस पर कैसे करेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, और उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। दूसरा आंसर है इसका कि जो हेलो एरीज होती है वो कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज, कैसी होती है, sp2, देखिएगा इधर जरा, ये जो कार्बन है यहाँ का, इस पॉइंट का जो कार्बन है उससे अगर हमने क्या जोड़ा हुआ है, हेलोजन, क्या जोड़ा हुआ है, तो वो कितनी जगह से और जुड़ा हुआ है, दो जगह से, कितनी जगह से और जुड़ा हुआ है, और ये कितने हाइब्रिडाइज होता है फिर, sp2, कितना होता है,
sp2। लेकिन अगर हेलोएल्केन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितनी जगह से जुड़ा होता है, तीन, तो ये कैसा होता है sp3। कैसा होता है बच्चों? तो जो हेलोएलीन होता है उसका कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू किससे। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो CX बॉन्ड है वो CX बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है उसकी, कम क्या हो जाती है बेटा जी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो खींच लेता है उसको, और खींचने की वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। अब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या हो जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल, उसको तोड़ना मुश्किल। एक बड़ा सा धागा, इसको हम, हाँ, एक इतना बड़ा धागा है उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और एक इतना छोटा सा धागा क्या उसको आप तोड़ पाओगे? तो जितना छोटा बॉन्ड लेंथ हो जाता है उतना ही डिफिकल्ट होता है उसको क्या करना, ब्रेक करना, उसको क्या करना, ब्रेक करना। नेक्स्ट, जो CX बॉन्ड लेंथ है हेलोएलीन की वो कम है किससे, CX बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोएल की, और जो हेलोएलीन होती है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे, हेलो एल्केन से, एज कंपेयर टू किससे बच्चों, हेलो एल्केन से, राइट बच्चों? ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पार्ट है हेलो एल्केन और हेलो एलिन का, और उसमें हम आज पांच रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जे, तो एक साथ हमने लिखी हुई है, तो देखेंगे बच्चों अगर हम हेलो एलिन की हेलोजनेशन कराते हैं, क्या कराएंगे बच्चों? अब हमें पता है जब हम हेलोजनेशन कराते हैं तो जो हेलोएलीन्स होती है उसमें जो ग्रुप लगता है एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा, मेटा पे नहीं लगता, मेटा पे क्यों नहीं लगता, क्योंकि मेटा पोजीशन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और जब इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ करती है, निकालती है, तो निकालने की वजह से क्या होता है उस जगह पे अनस्टेबलाइज क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, और वो क्या हो जाती है, अनस्टेबलाइज। इसलिए जो ग्रुप अटैच होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे होते हैं, एक ऑर्थो पे या दूसरा पैरा पे, राइट? इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो भी और दूसरा पैरा, तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मतलब ज्यादा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट मतलब कम बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। अब इसमें रिएक्ट कराना किससे बच्चों, Cl2, इसको बैलेंसिंग के लिए हम ट्वाइस कर लिया क्या, ओके, तो एक Cl आएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक Cl आएगा, तो दो H निकलेंगे यहाँ के, दो H निकलेंगे, और इसको भी ट्वाइस कर लेना, जब दो H निकलेंगे और दो Cl के साथ क्या निकल जाएंगे, ट्वाइस ऑफ HCl, ट्वाइस ऑफ HCl। अब दोनों क्लोरीन जो पहले से लगा हुआ उसे आप लगा रहने देना, एक ऑर्थो पे आ जाएगा और दूसरा बच्चों पैरा पे, दूसरा कहां पे आ जाएगा, पैरा पे, जो लगा हुआ उससे मतलब नहीं है, जो लगा है उससे लगा रहे, तो एक कहां पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन, दूसरी रिंग उसी में एक कहां पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन। तो जब वो ग्रुप अटैच होते हैं तो दोनों में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकला तो वो क्या निकाल देगा, HCl, दूसरा यहां से निकला वो भी क्या निकाल देगा, HCl, राइट बच्चों? अब इसका नाम क्या होगा, 1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichloro, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1,4-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, कोई दिक्कत बच्चों किसी को, पक्का, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करानी है बच्चों, नाइट्रेशन, क्या करानी है, तो नाइट्रेशन में आपको पक्का पता है कि NO2 ग्रुप अटैच होना है, कौन सा ग्रुप होना है, तो भैया मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ HNO3 को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OH और NO2, OH और एक H ऑर्थो पोजीशन का निकला कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H2O, क्या बनाएगा, एक H पैरा पोजीशन का कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H2O, तो कितने H2O निकलेंगे इसमें, इसको भी हम क्या कर लेंगे, ट्वाइस, क्या कर लेंगे बच्चों, अब बनाते हैं प्रोडक्ट, तो ऊपर जो Cl लगा है उसे लगा रहने दो, एक NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा NO2 बच्चों पैरा पोजीशन पे, समझ में आ गया बच्चा लो, तो बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चा, 2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-nitrobenzene, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 4-chloro-nitrobenzene, 4-chloro-nitrobenzene, समझ में आया नहीं बच्चा लो, पक्का, ओके। तो अब तीसरी करते हैं सल्फोनेशन,
भैया जी क्या मतलब हो गया, सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा, सल्फोनिक ग्रुप, अब इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OHSO3, इसको हमने H2SO4 को ब्रेक करना है, क्या बना दे, क्या बना दिया, SO3H और OH अलग और SO3H, अब वही सेम फंडा, यहां से क्या निकला एक H, एक यहां से, तो दोनों कंबाइंड होके क्या निकाल देंगे 2H2O2। एक ग्रुप कहां पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक ग्रुप कहां पे आएगा, तो एक आ गया SO3H ऑर्थो पोजीशन पे और एक आ जाएगा SO3H पैरा पोजीशन पे, और इसका नाम कौन बताएगा हमको, पहले का नाम 2-chloro-benzene sulfonic acid, इसे BSA भी बोलते हैं शॉर्ट में, BSA, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, 4-chloro-benzene sulfonic acid। कोई दिक्कत बच्चा लोग, ओके अब आगे बढ़ते हैं फिर इसी ऑर्डर में। अब हमें करानी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन वर्ड हमें बता रहा है, एल्काइलेशन का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप से, किससे करानी है, तो बच्चों इसको भी ट्वाइस कर देना। अब इसको क्या कर लिया आपने, ट्वाइस क्या कर लिया, एक एच कौन से पोजीशन से निकलेगा, और एक एच निकला एक सीएल, एक पैरा से निकला एक सीएल, कितने एच सीएल निकल जाएंगे बच्चों, और सी एस थ्री क्या हो जाएगा, अटैच, सी एस थ्री क्या हो जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन और दूसरा पैरा पोजीशन, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, 2-chloro या ऑर्थो क्लोरोटुलीन, कॉमन नेम हो गया ऑर्थो क्लोरो, और ये क्या होता है टुलीन, क्या होता है, और इसका नाम क्या होगा बच्चों लोग, पैरा क्लोरोटुलीन, पैरा क्लोरोटुलीन। एंड लास्ट CH3COCl से करानी है, तो देखिएगा ध्यान से, अब इसमें एसाइलेशन करानी है, क्या करानी है बच्चों, एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप आएगा पूरा, और टू से एच सी एल, पैरा से एच सी एल, कितने एच सी एल निकल गए बच्चों, कौन सा ग्रुप लगेगा, CH3CO, देखेंगे बच्चों यहां पे क्या आ गया, ये CO, यहां पे क्या पैरा पे आ जाएगा CO CH3, और ऊपर क्या आ गया बच्चों, अब इसका नाम बताइए जरा, इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, घसीटोफिनोन नहीं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और इसका क्या होगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटो, कोई दिक्कत बच्चों किसी को, पक्का, तो प्लीज नोट कीजिएगा यहां तक। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी, हेलो एरिन्स की, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, आयोडीन, कौन सा, आयोडीन बेंजीन, कौन सा बच्चों, क्यों होता है बच्चों आयोडीन बेंजीन, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, साइज बड़ा होने से ये आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्या हो जाता है, निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, बेंजीन से, एराइल हैलाइड कम रिएक्टिव है, एराइल हैलाइड यही होते हैं एराइल हैलाइड, वो कम रिएक्टिव होते हैं किससे, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके लिए बच्चों, क्यों होते हैं, क्योंकि हैलोजेनिस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू किससे, बेंजीन, एज कंपेयर टू किससे, जब हैलोजेनिस ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कम रिएक्टिव, क्या होगा, और बेंजीन कैसी होती है, नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए वो क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव, राइट बच्चों, ओके बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं डाउ प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ, कैसे बनता है फिनोल, हमने क्या ले ली बच्चों, हैलोजेनिस, क्या ले ली, किससे रिएक्ट कराया, कितने टेम्परेचर पे, 623 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों जी, कन्वर्जन में बहुत यूज होती है, हेलो एल्केन से अगर आपको एल्कोहल बनाना है
क्या बनाना है? एल्कोहल। क्या बनाना है? एल्कोहल। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना। हो गए बच्चों? तो बच्चों देखेंगे, बच्चों यहाँ से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, क्या निकल गया? HCl। ऊपर ONA चिपका दो। बोलो चिपका दिया, बोलते ही नहीं हो आप लोग। यस सर। ओके, अब इसको हम बोलते सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते बच्चों? सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या करना है आपको, इसके मुंह पे पानी डाल दो। क्या करना बच्चों? पानी डाल दो इसके मुंह पे। कैसे डालते हैं देखेंगे। H2O बोलो, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करेंगे हम OH एंड देन OH एंड देन। तो बच्चों वेरी इजी, यहां से क्या निकला, यहां से क्या निकला, क्या निकल गया? ऊपर क्या आ गया? ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? H। तो वो क्या हो जाएगा? फिनोल। क्या हो गया बच्चों? ये फिनोल। कोई दिक्कत किसी को? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से पढ़िए, और इसका कन्वर्जन बहुत बार बोर्ड में आता है। ओके बच्चों।